किसी को दर्द में देख के खुश होने वाले को क्या कहते हैं? आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। पर अगर ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए इस वक्त इस सिचुएशन पे, तो मैं बोलूँगी अभिया कहते हैं। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ? क्योंकि अभिया वाले इतने ज़्यादा खुश हुए हुए हैं, चलो भाई उनकी खुशी अगर है तो खुशी मनाए ना, जश्न मनाए ना, पर किसी और को खरी खोटी सुना के, किसी और के लिए कुछ भली बुरी बातें बोल के अगर अपनी खुशी मना रहे हैं तो ये कितना गंदा तरीका है। हालांकि अभिया के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, मुझे भी पता ही है। अभी इतने दिनों से मैंने इनके बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं बिजी थी बिग बॉस 17 में। अब मैं जब देख रही हूँ ये लोग तो भाई वहीं के वहीं हैं। तो अगर ये लोग वहीं के वहीं हैं, जब मैंने इनके बारे में बात करनी छोड़ दी फिर भी इन लोगों ने हरकतें नहीं छोड़ी हैं, तो फिर आखिरकार मैं अभिषा का सपोर्ट क्यों नहीं लूँ? भाई अभिषा, अभिषेक ने जो बात बोल दी है कि हम, मेरी छोटी बहन है वो, और हमें एक रोमांटिक एंगल में ना शिपिंग ना किया जाए, इसके बाद बहुत सारे जो अभिषा फैंस हैं, बहुत सारे लोग चुप बैठ गए हैं, उदास हैं, बहुत सैड हो रहे हैं कि यार हमें बहुत बुरा लग रहा है, फुकरा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वहीं पर कुछ अभिषा फैंस ऐसे भी हैं जो कि अभिषेक को गालियां निकाल रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले आप लोगों को बताया। पर अभिया, हैशटैग अभिया जो है अब ट्रेंड हो रहा है, उसमें खुशी मना रहे हैं कि भाई इन लोगों ने, अभिषा वालों ने ना फालतू का इमेजिनेशन कर लिया था, उसने तो पहले भी बहन बोल दिया था, फिर भी जो है ऐसा सब चीज़ें बेइज्जती करवाना चाहते हैं, अपने ही फुकरे से बेइज्जती वाली ना, फुकरा पता है किसका है, अभिया वालों का है। तो इस तरीके की बड़ी हकदार बातें कर रहे हैं, भाई फुकरा अगर आपका है तो फुकरा ले जाओ, आप लोग ले जाओ। पर फुकरा को पसंद अभिषा वाले भी करते हैं क्योंकि उनकी जोड़ी मनीषा के साथ भी पसंद की जाती है, और ये साफ तौर पे तो है ही कि फुकरा आखिरकार जिया से ज्यादा मनीषा को पसंद करता है। मैं तो उनको भाई बहन नहीं बोलूंगी, ना मैं बोलती थी पहले, ना मैं अब बोलूंगी। मैं बोलती हूँ कि भाई वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने खुद ये बात बोली है, पुराने मुर्दे उखाड़ के लेके आते हैं। जब बीच में उन लोगों ने कोई चीजें क्लियर की है उस चीज के बारे में ये लोग बात ही नहीं करते, बस मजा लेने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए इन्होंने बड़ी सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, बड़ा दिखावा करना, बड़ा प्यार दिखाना शुरू कर दिया, ट्रेंड करवा दिया है वी लव फुकरा। क्यों? क्योंकि उसने मनीषा को बहन बोल दिया, छोटी बहन बोल दिया है। तो भाई बोल दिया तो जिया शंकर को भी तो बहन बोला था उसने, उसका क्या है? वो कहीं गुम हो गया, वो यादें कहीं क्या अरेज कर दी? भाई अभिषा वालों के दिमाग में ये यादें अरेज नहीं है, ये एकदम फिट बैठी है। अगर तुम बोलोगे तो वो चार चंदे ऊपर बोल सकते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बस अभी जो है थोड़े उदास बैठे हैं इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो अभिया वाले मज़ा ले रहे हैं। तो अभी किसी के दूसरे के दर्द में अगर कोई खुद रो पड़ता है तो उसको इंसान कहते हैं। जो किसी के दर्द में खुद खुश होता है इस सिचुएशन पे, उसको अभिया कहते हैं। यह मेरा कहना है, आपका क्या मानना और कहना है ये आप बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।